कि आप लोग इस आगे बढ़ो, वेलफेयर सोसाइटी से आप लोग जुड़े और आगे बढ़कर कदम दर कदम यहां तक का फासला आपने तय किया। जिंदगी में अगर कुछ करना हो तो जाहिर तौर पे सबसे पहली चीज होती है कि पहला कदम बढ़ाना जरूरी है, तो वो कदम आप सभी ने बढ़ाया है अपने घरों से निकलकर। इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और इसके लिए आप अपने लिए बजाई तालियां। मुशारिफ खान सर टेबल दो दर तालियां हो जाए। कम ऑन, मुशायद भैया से तो मैं हर बार जब भी मिली हूँ मुझे उनसे बहुत सीखने का मौका मिला है। उनके अंदर की जो ये भावना है, ये 13 से 14 साल का एक बच्चा जिन्होंने अपने आप को आज यहाँ तक पहुँचाया, और आप यकीन करिए कि मुशायद भाई ऐसे भाई हैं जिन्होंने ऐसे हजारों परिवार, ऐसे ऐसे बीमार, ऐसे पीड़ित परिवारों के यहाँ जाके काम किया है कि अगर उस वीडियो यूट्यूब पे आप भैया के जाइए, आप देखें वीडियो, आप देख नहीं पाएंगे, आप खुद से रोने लगेंगे। ऐसी सी बीमारी से ग्रस्त लोगों के साथ भैया ने काम किया है जो सोच से भी परे है। तो बड़े दिग्गज, बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो, मेरे पास तो कुछ अपना एक्सपीरियंस है ही नहीं है, सभी क्या बताऊंगी। सब लोग यहाँ इतने महानुभव बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। छोटे-छोटे गांव में जाते हैं जहां तक मदद नहीं पहुंच पाती, वहां तक अपनी मदद पहुंचाते हैं। तो बच्चों में मुशाहिद खान सर की जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया। पहले तो आप सभी का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुशाहिद खान है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बहुत छोटे से गांव से निकला हूँ और एक शुरुआत की थी कि जो जो बीमार लोग हैं घर में, जिनके कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। मेरी अक्सर वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मुशाहिद खान के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अपना बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो मैं आपको देना चाहूंगा, एक तुम हिम्मत वाली लड़की हो, और उससे ज्यादा मैं आपके माँ बाप को, आपकी दादी को, आपकी माँ को, आपकी मम्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि एक ऐसी लड़की आपने समाज में लाई, ऐसी लड़की पैदा की है। और एक फख्र की बात होती है कि जब आपके नाम से आपके माँ बाप को जाना जाए, ये बहुत फख्र की बात होती है कि देखो ये अरुणा त्यागी की माँ जा रही है, अरुणा त्यागी की दादी जा रही है। माँ बाप के नाम से तो हम हमेशा जानते हैं कि भाई फला का बेटा जा रहा है, फला का बेटा जा रहा है, लेकिन सीना चौड़ा जब होता है जब हमारे माँ बाप के सामने कि कहेगा जी ये मुशाहिद के अब्बू जा रहे हैं, मुशाहिद के पापा जा रहे हैं। सारी बात करीब करीब हो चुकी है कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में एक मकाम पाना है, तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना, हमेशा। आप चाहते हो कि आप बुलंदियों पे जाओ तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करना, क्योंकि ये वो सरमाया है, ये वो शख्सियत है कि जो जाने के बाद आप कभी नहीं मिल सकती। आपको सब चीज मिल सकती है लेकिन आपको आपके माँ बाप कभी नहीं मिल सकते। तो जिंदगी में तरक्की चाहते हो कि आपका नाम हो, तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, दुआएं लो, क्योंकि जब माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है ना तो वो बहुत दिल से दुआ करती है। जब मैं अरुणा घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ, मेरी मम्मी बैठी रहती है, मैं बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ, तो उनके जो अल्फाज है वो बड़बड़ाती रहती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ क्या कह रही है। ए अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, कामयाबी करना। तो ये वो दुआएं हैं जो हमेशा आपको बुलंदियों पर लेके जाएंगी। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, और
ये मेरी बेटी है मरियम, ये बोल रही थी कि पापा सबको बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। तो ये भी एक यूट्यूबर है, ब्लॉग बनाती है। मैं फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप यूं ही तरक्की करते रहें, और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी आपको हर तरीके से मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। कोई गलती होगी तो उसे माफ कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मरियम कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। अब्बू किधर है? अब्बू से भी बड़ी। जी अब्बू से भी बड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे लगता है करीब करीब सभी का सम्मान हो गया है, लेकिन जिनका सम्मान सबसे पहले होना चाहिए था उनको हम भूल चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरुणा त्यागी, आप प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाए। अरुणा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी फैमिली के जो जो मेंबर यहाँ पे हैं एक बार वो स्टेज पर आ जाए। आपकी दादी, मामा, आपकी मम्मी, तमाम वो लोग जिसने आपका साथ दिया। आई दादी, एक बार ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अरुणा का हर दुख में सुख में साथ दिया। और आप समझ सकते हैं कि जब सर पर वालिद का हाथ ना हो, साथ ना हो, 2005 में वालिद साहब की इंतकाल हो गया था अरुणा के, वो उस दुनिया से चले गए थे। उस वक्त में जब जरूरत होती है एक बच्चे को प्यार की, मोहब्बत की, तो ये वो तमाम वो फैमिली है जो जुटी रही हमेशा से, तन से, मन से, धन से। कि मामा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस बच्चे का साथ दिया, और फखर होगा आपको कि आप इस वक्त यहाँ पे हैं। और इनकी माता जी हैं, शायद कुछ बोलेंगी, बोलोगी कुछ तो बोल दो अपने बच्चे के लिए। जीता रहो बोल दो, जीती रहो बोल दो, दादी बोल। तो ये दादी जी हैं, तमाम वो फैमिली है आपका। Thank you so much.